नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये क्लास नाइन्थ के मैथ्स का एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। तो अगर सकते हैं कि आपको इसके आने वाले पार्ट से मिले सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और इस क्वेश्चन का जो एडिशनल क्वेश्चन है वो मिले तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कुछ क्वेश्चन है कमेंट कीजिए। आज की वीडियो से स्टार्ट करते हैं। तो पहला है 1/√7 को आपको रेशनलाइज करना है। बेसिकली आपको पहले ही समझना होगा कि आपको डिनोमिनेटर से जो इसका ये रूट लगा हुआ है, आपको ये रूट जो है वो हटाना है। जिस स्टेप पे आपका ये रूट हट जाता है आप समझिए आपका यही आंसर है। आप उस क्वेश्चन को भी छोड़ दीजिए। सो पहले हम इसे इस क्वेश्चन में आपको कॉपी करेंगे 1/√7 इंटू, हम इस 7 को ऊपर और नीचे हर जगह मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 करेंगे और 7। अब आपको इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है इक्वल टू, अगर आप 1/√7 को मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर 7 ही आएगा। सेवन करके आप इस पर स्क्वायर लगा सकते हैं होल पे। सो 1/√7 का होल का स्क्वायर लगा सकते हैं, इसे कुछ ऐसा लिखेंगे। बट अगर यहाँ पे स्क्वायर है और ये रूट है तो आप स्क्वायर से रूट को काट सकते हैं। तो अगर हम स्क्वायर से कट करते हैं तो हमारा जो आंसर बचेगा वो बचेगा 7/√7। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे डिनोमिनेटर पे जो रूट लगा था वो रूट नहीं लगा है, तो ये हो गया आपका आंसर। सो दोस्तों, अगर आपका क्वेश्चन आसान लगा हो और आप चाहते हैं कि आपको इस क्वेश्चन का जो एडिशनल क्वेश्चन है और जो इसके सेकंड थर्ड पार्ट है वो मिले, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेश्चन और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली उसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।